पोलर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। तो कोलोइड्स के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखते हैं उनको वन बाय वन। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारे होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सॉल्यूशंस, एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, तो ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो अब यहाँ पर क्या है कि कोलाइड्स का जो साइज़ है वो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उसके साइज़ से बड़ा होगा, ठीक है। कोलाइड्स का साइज सॉल्यूशन के जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन उसके साइज़ से बड़ा होगा। तो और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, अगर साइज़ बड़ा है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कोलाइड्स का जो है कम हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से। तो अगर साइज़ बड़ा है तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हो गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। तो वही इसमें क्या है कि कोलाइड्स के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी कम हो जाता है इन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कोलाइड्स में उतना कम, मतलब बहुत कम ऑर्डर का होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम एक कोलाइडल पार्टिकल के, मतलब एक कंटेनर में कोलाइडल पार्टिकल हमने रखा है और उससे हम एक बीम पास कराएंगे उसके थ्रू, तो अदर साइड से हम देखेंगे तो बीम का जो पाथ है वो इल्यूमिनेटेड दिखाएगा। इल्यूमिनेटेड क्यों होगा, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उससे लाइट स्कैटर हो रही है। तो जैसे कि ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने भर रखा है कोलाइड पार्टिकल्स है, और यहाँ से हमने लाइट पास करा है, तो अदर साइड से ये स्कैटरिंग होगा यहाँ पे। तो जो लाइट निकलेगा तो जो यहाँ पे वो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड हो जाएगा पाथ, इसका इल्यूमिनेशन, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, ये जो है ये हो रहा है स्कैटरिंग। और ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। और इसमें क्या है, कोलोइड्स। तो जब हम सोर्स ऑफ लाइट को कोलाइड्स के पाथ में भेजेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करेंगे जिससे पाथ इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जब आप रूम में, अगर आपके वेंटिलेटर है तो उसमें जो सुबह सुबह लाइट आती है तो आप उसमें देखेंगे कि जो लाइट आई उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखेगा। उसमें पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो उनका जो पाथ है वो इल्यूमिनेट हो जाता है तो आपको दिखेगा। और कभी आपने ये भी देखा होगा कि अगर सुनसान जगह है तो वहाँ रात में, मतलब अगर फॉग है, कुहासा टाइप का है, तो उसमें भी लाइट ऐसे इल्यूमिनेटेड होके आता है, वहाँ भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये एग्जांपल हो रहा है टिंडल इफेक्ट का, या ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हम उसमें क्या देखते हैं कि पार्टिकल्स जो है जिग-जैग मोशन करते हैं, मतलब रैंडम इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे कि सपोज़ ये पार्टिकल अभी यहाँ था, अब यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया,
तो ये इसका मोशन है पार्टिकल्स का, तो ये हो गया ब्राउनियन मोशन। और इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होगा तो बड़ा होने पे क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, तो उससे क्या विस्कोसिटी हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या, रेसिस्टेंस होता है फ्लो के अपोजिट। तो साइज बड़ा होगा पार्टिकल का तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो उससे ब्राउनियन मोशन कम हो जाता है, और जितना साइज कम होता है उससे विस्कोसिटी कम होती है तो ब्राउनियन मोशन फास्ट होता है। तो ये हो गया ब्राउनियन मोशन, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोलाइड्स जो है अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हम कोलाइड्स के जो कोलाइडल पार्टिकल के सॉल्यूशन को हम इमर्स कर देते हैं इलेक्ट्रोड के साथ, और उसमें अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, तो जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं वो कैथोड की तरफ चल जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं वो एनोड की तरफ चल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन दी इलेक्ट्रोड्स देन दी कोलाइड्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स कैथोड वाइल दोज हैविंग नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स एनोड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यही होता है इसमें, मतलब बेसिकली इससे ही पता चलता है कि कोलाइड्स के ऊपर चार्ज होते हैं, तो जो कोलाइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैथोड के पास चल जाते हैं, और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि कोलाइड के ऊपर चार्ज कैरी होता है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है, कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का सेटल कर जाना, मतलब उसका स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाना। तो हमने पढ़ा था दो तरह के कोलाइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन विथ डिस्पर्स मीडियम। तो उसमें एक था लायोफोबिक सॉल। तो लायोफोबिक सॉल क्या था बेसिकली, वो डिस्पर्स मीडियम मतलब लिक्विड हीटिंग होता था, मतलब वो उसको मतलब उसके फॉर्मेशन के लिए हमें प्रोसेस करने पड़ते थे जिसके चलते उसका फॉर्मेशन होता था, तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता था। तो लायोफोबिक सोल में अगर हम इसमें लायोफोबिक सोल कैसे स्टेबल होता है, इसमें जो चार्ज होता है उसके इंटरेक्शन के चलते स्टेबल होते हैं। अगर किसी तरह इसमें हम चार्ज को रिमूव कर दें तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में आके चिपक जाएंगे और मतलब ग्रेविटी के चलते सेटल हो जाएंगे, तो इसके चलते ये कोलाइड नेचर ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है कोगुलेशन। तो इफ़ चार्जेस इन लायोफोबिक सॉल इज रिमूव्ड somehow मतलब कैसे भी, then they will come closer मतलब पास में आ जाएंगे and will form aggregates
मतलब पास में आके बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेंगे बड़े साइज के, एंड दे विल सेटल एंड विल सेटल अंडर दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब इसमें से हम चार्ज मूव कर देंगे लायोफोबिक सॉल से, तो वो लोग आप पास में आके क्लोज होके बड़ा पार्टिकल बना देंगे इकट्ठा होके, और जो ग्रेविटी है उसके चलते सेटल हो जाएंगे। तो इसके चलते ये इसका कोलाइडल नेचर ख़त्म हो जाएगा।